साथियों, दीक्षा ऐप पर 5 कोर्सों की एक नवीनतम श्रृंखला प्रारंभ की गई है, जो कि शिक्षक साथियों को निश्चित समय अवधि में पूर्ण करनी है। समस्त शिक्षकों को यह प्रशिक्षण प्राप्त करना आवश्यक है। बहुत सारे शिक्षक साथी दीक्षा ऐप पर लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं। वजह है एजुकेशन पोर्टल से उनका पासवर्ड रीसेट न हो पाना। कोर्स कंप्लीट करने के लिए शिक्षक साथी अलग तरीके से दीक्षा ऐप में लॉगिन कर कोर्स कंप्लीट कर रहे हैं। जैसे ही हम लॉगिन करे पर क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरीके का पेज हमारे सामने निकल कर आ जाता है। सभी शिक्षक साथी याद रखें, यहाँ पर केवल आपको लॉगिन विद स्टेट सिस्टम के द्वारा ही दीक्षा ऐप में लॉगिन होना है। जब आप लॉगिन विद स्टेट सिस्टम के माध्यम से दीक्षा ऐप में लॉगिन करेंगे और उसके बाद अपने कोर्स कंप्लीट करेंगे तो वह कोर्स आपके विकासखंडवार, जिलेवार और प्रदेश की पोर्टल पर प्रदर्शित होंगे और आप कोर्स करने वाले शिक्षकों की श्रेणी में गिने जाएंगे। इसके अलावा ये जो ऊपर ऑप्शन दिख रहा है लॉगिन विद दीक्षा और साइन इन विद गूगल, यदि आप इन पे क्लिक करके अपने कोर्स कंप्लीट करते हैं तो आप कोर्स आपके जो है वह मान्य नहीं होंगे। जब हम लॉगिन विद दीक्षा पर क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे आपके सामने कुछ इस तरीके का पेज खुलकर आ जाएगा। यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर एंटर करके और फॉरगॉट पासवर्ड करके अपना पासवर्ड तो रीसेट कर लेंगे, आप लॉगिन भी कर लेंगे और लॉगिन करने के बाद आप अपने कोर्स भी कंप्लीट कर लेंगे, लेकिन इस तरीके से किए गए कोर्स आपके मान्य नहीं होंगे। हम आपको बता दें कि आपको लॉगिन विद स्टेट सिस्टम के माध्यम से लॉगिन करके ही दीक्षा ऐप में अपने कोर्स कंप्लीट करने हैं। यदि आप इस तरीके से कोर्स कंप्लीट करेंगे दीक्षा ऐप में लॉगिन करके तो आपके कोर्स मान्य नहीं होंगे और आने वाले समय में फिर से आपको कोर्स करने होंगे। भले ही 2 दिन बचे हैं, शिक्षक साथी बिल्कुल भी चिंतित ना हो, निराश ना हो। आने वाले समय में यह कोर्स पुनः दीक्षा ऐप पर उपलब्ध कराया जाएगा, तब आप इसे कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन हमारी सलाह आपको यही है कि आप अपने जो कोर्स हैं वह लॉगिन विद स्टेट सिस्टम के माध्यम से लॉगिन करने के बाद ही कंप्लीट करें, ताकि आपको भविष्य में किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो। यदि आप इस तरीके से कोर्स कंप्लीट कर भी लेते हैं तो पोर्टल पर आपका डाटा प्रदर्शित नहीं होगा और आप उन शिक्षकों की श्रेणी में आएंगे जिन्होंने कोर्स कंप्लीट नहीं किए हैं और बाद में पुनः दीक्षा ऐप पर यह जो कोर्स है वह उपलब्ध करवाए जाएंगे, फिर से आपको वो वह कोर्स कंप्लीट करना अनिवार्य होगा। तो इस स्थिति से बचने के लिए आप पहले ही पासवर्ड रीसेट होने तक ये कोर्स किसी अन्य तरीके से कंप्लीट ना करें। आप पासवर्ड रीसेट होने की जो प्रक्रिया है उसके बहाल होने का इंतज़ार करें। निश्चित रूप से जल्द ही आप पासवर्ड भी रीसेट कर पाएंगे और आपके जो कोर्स हैं वह भी आप कंप्लीट कर पाएंगे। और यदि अभी आपके कोर्स कंप्लीट नहीं भी होते हैं तब भी आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, भविष्य में आप इन्हें कंप्लीट कर पाएंगे। हमारा प्रयास है आपको सही एवं सटीक जानकारी प्रदान करना। तो साथियों, ये था आज का महत्वपूर्ण अपडेट। कैसी लगी जानकारी कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें और ऐसी जानकारी समय समय पर आप लोगों तक पहुंचती रहें इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों।